ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन के रात के वक्त टॉर्च हाथ में लेके आप किस तरह फायर करेंगे। बाज़ वक़्त आपको रात को ऐसा फायर करना पड़ता है कि आपको अंधेरे में टारगेट नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस वक्त आप एक हाथ में आपके टॉर्च होती है, एक हाथ में गन होती है, और गन और टॉर्च को जोड़कर आप पूरा एक वजूद बना लेते हैं, और इस तरीके से आप फायर करते हैं कि आप टारगेट को देख भी रहे होते हैं रोशनी में, और आपके दोनों हाथ गन को होल्ड कर रहे होते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब नहीं होती। छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन, मैंने टॉर्च ऑन कर ली एंड यू कैन सी कि मैं डिफरेंट टारगेट्स को जिसको मैं देखना चाहता हूँ उन टारगेट्स को मैं अपनी टॉर्च से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैंने किस टारगेट पर हिट करना है, और मेरा हाथ और मेरी गन जो है, मेरे टॉर्च एक वजूद बन गया। जिस तरफ मेरी गन जा रही है, करीब सुनो भाई, बच्चे करीब से आके देखो, जिस तरफ मेरी गन जा रही है उसी तरफ मेरी टॉर्च जा रही है, और हाथ और टॉर्च दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवस्था है कि एक वजूद बन गया है पूरा, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने टारगेट को अंधेरे में हिट करने में। सो यू कैन सी, आपने देखा कि मैंने अपने टारगेट्स के ऊपर टॉर्च की मदद से फायर किया और सारे टारगेट्स हिट किए। तो ये एक बहुत कन्वीनियंट और आसान मगर बहुत यूज़फुल तरीका है। अपने साथ टॉर्च रखा करें, रात के वक्त अल्लाह ना करे आपको गन यूज़ करनी पड़े अंधेरे में, तो टॉर्च उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आती है। बहुत ज्यादा काम आती है। ऑल टारगेट्स हिट, जज़ाकअल्लाह खैर।